महारानी पिंगला कही महाराज ना कोई राम राम ना दुआ सलाम ना कोई नमस्ते कहिए महाराज। नहीं महाराज करने तो वाली थी लेकिन आपने सवाल ही कह दिया कि महारानी पिंगला इसीलिए पूछ तुझे दरबार में क्यों बुलवाया गया है। कहिए महाराज मुझे दरबारों में क्यों बुलवाया गया है। इसलिए बुलवाया गया है पहले ये बता पूछिए तुझे मैंने एक अमर फल दिया था थोड़े दिन पहले। हाँ महाराज बिल्कुल दिया था। एक काम कर हाँ उस अमर फल में से आधा तू खा ले और आधा मुझे दे दे। महाराज अमर फल को आधा आपको दे दूं लेकिन महाराज मैंने तो वो अमर फल सारा ही खा लिया। दादी नोट करती जाइयो बात सादा ही सारा ही खा लिया। हाँ महाराज बिल्कुल छील के खाया होगा वो छिलके दे दे जो छिलके। महाराज अमर फल स्वादिष्ट इतना था कि मैं तो उसके छिलके भी खा गई। तो उसमें बीज दे अंदर वो बीज दे दे। महाराज बीज भी साथ ही से टक गई। बीज ने भी खा गई। हाँ महाराज अरे बाय कमाल या फांसी पे चढ़ाऊंगा वाल फांसी पे चढ़ाऊंगा एक नंबर आप या लाला की अकड़ निकाल ली है पहले। यानी कि तेरे पास अमर फल नहीं है महाराज। तेरे पास है नहीं है महाराज मैंने खा लिया। अब तू मुझे महाराज पियार भरतार मत कहे तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता। लेकिन क्यों महाराज ऐसा क्यों। हो मुझे मत कहिए भरतार प्यार की सब हो गई खाता मैं कहानी। मुझे मत कहिए भरतार प्यार की हो गई खाता मैं कहानी। मुझे मत कहिए रहना ठीक नहीं। ठीक है हाँ महाराज अमर फल बता दे चुप की रहना ठीक नहीं। राम बराबर पति हो सती का धोखा देना ठीक नहीं। तू हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं। और धर्म की पुजारन हूँ मैं धर्म की पुजारन हूँ मैं धर्म की पुजारी पिया मने अमर फल सारा खा लिया। मैं सतवंती नारी पिया जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया जो ना करो यकीन मेरा तो और कसम है तुम्हारी पिया। हो तेरा क्या रह गया एतबार तेरी पकड़ लई बेईमानी। मने हर मत कहिए मेरे सिर पे हाथ रख रही है। हाँ महाराज आपकी कसम खाती हूँ मैंने अमर फल सारा खा लिया। दादी का समझ में आ रहा है ना ना खायो ना या ना अमर फल। हाँ सुन हाँ तेरी जैसी डायन का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता इतनी घृणा हो गई है तुझसे। लेकिन क्यों महाराज ऐसी क्या बात है। अरे डूब के मरीना पापन सभी ढाल ख्वारी करी करना चाहया अमर प्यार तने
जिसके साथ जारी करी एक गोबर लीद उठावनिया ते ओ बैरन तन यारी करी गोबर लीद उठावनिया ते ओ बैरन तन यारी करी थारे पे जो मेरे सर पे तो से धरो जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहां पे मरो जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहां पे मरो ओ तुझे फूकेगा संसार बोले तेरा मेरा पक्का बैर और आगे की लाइन अच्छी लगे सच्ची लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना अगर मेहनत ठीक कर रहा हूं तो आशिक को पिलाया अमृत पति को तू देगी चेहरे अब ते आगे मत ना बोले तेरा मेरा पक्का बैर जिस घर में ऐसी डायन हो उस घर की मत समझो तेरे जिस घर में ऐसी डायन हो उस घर की मत समझो तेरे और इब तक पिया समझी कोना इब तक पिया समझी कोना बता दियो साफ साफ है मौके का गवाह कौन जो अरे जिसने करती देखी पाप इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ ओ घनी मत बोले बात कार रे बात कार रे घनी मत बोले बात कार महाराज अब आप सारी बातें जानते हो खाली या तेरा कहने का मतलब ये हाँ महाराज एक बार सब सभा के सामने अगर तू पतवरता तू तो पतवरता औरत है हाँ महाराज अगर तू पतवरता औरत है तो पूरे समाज के सामने मेरी सौगंध मेरे सिर पे हाथ रख के जो कहे महाराज आपकी सौगंध मैंने अमर फल खा लिया तीन बह कह महाराज मैं आपकी सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने अमर फल खा लिया। महाराज चार बार कहिए इसने तीन बार कहे तीन बार कहवाओ महाराज आपकी सौगंध मैंने अमर फल खा लिया। फिर चार बार कहेगी वाह
बहुत चालाक लुगाई है, बहुत ज्यादा चालाक लुगाई है। सुन तेरी पोल खोलूंगा अभी, ध्यान से सुन। अरे बोल ने लायक नहीं छोड़ा, बोल ले लायक नहीं छोड़ा, लिखे को रहा हूँ बात जिसको वो अमर फल दिया, सारी मुझको होगी जांच। देख ले अरे देख ले अमर फल वो ही सांच को ना हो दिया जे। देख ले अमर फल वो ही सांच को ना हो दिया जे। महाराज कहां पे मत, महाराज ये वो अमर फल नहीं है। हाँ। ये वही अमर फल है। नहीं नहीं ये वही है। नहीं है महाराज, नहीं तो हुआ है। बोल, तेरी गर्दन में पार कर दूंगा। ये वही अमर फल है ना? नहीं है महाराज। महाराज ये वो अमर फल नहीं जो आपने मुझे। नहीं नहीं महाराज नहीं नहीं। ये वही अमर फल है ना महाराज? ये वो अमर फल नहीं। मार देंगे महाराज। अंतिम बार पूछ रहा हूँ, ये वही अमर फल है ना? हाँ महाराज, ये वही अमर फल है जो आपने मुझे दिया था। पांच पांच बार सिर पे हाथ फेर दियो दादी, यानी पांच पांच बार। वही अमर फल है ना? हाँ महाराज। इसका मतलब ये हुआ कि तू झूठी है और तूने जो पिंगला पे दोष लगाया था वो भी झूठा था। कहे दरबार में महाराज, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज। मेरे भाई पे झूठा दोष लगाया था ना? हाँ महाराज। तो इसका मतलब जो वो नगर सेठ और उसकी नई नवेली सेठानी जो आए थे, उन्होंने भी झूठ बोला था, बता। हाँ महाराज, उन्होंने भी झूठ बोला था। मंत्री जी महाराज, नगर सेठ को और सेठानी को पकड़ के लाओ। नगर सेठ इधर, ये तुम करा, चल सेठानी तू भी आ जा। हाँ जा रही है, आ जा छतरपुर में। क्यों बे बनी है? कंपन को बंद कर, कंपन बंद कर। चश्मे कहाँ हैं? अब एक बात बता, दुष्ट नीच पापी, सारा नगर तेरी कदर करता था, तूने झूठी गवाही दे करके मेरे भाई को मरवा दिया। बोल, वो गवाही झूठी थी या सच थी? बोल। अरे फैल बखेरे, बोल। अब सेठ जी तुम खुद कह दो, कह दो, कह दो सेठ जी। महाराज सच सच बोल। महाराज महाराज वो गवाही झूठी थी। महाराज झूठी थी ना महाराज? मेरी मजबूरी थी महाराज, मजबूरी गई भाड़ में। सिर्फ ये बता, गवाही झूठी थी ना? झूठी थी। तूने और सेठानी ने जो गवाही दी थी वो झूठी थी ना? इसका मतलब महाराज, मैं जितना सम्मान महाराज भरतरी आपका करता हूँ, उतना ही महारानी पिंगला का करता हूँ। महारानी पिंगला ने मेरे घर जाकर मुझ पर दबाव बनवाया और मुझसे ये कह दिया कि नगर सेठ, अगर तूने महाराज भरतरी के दरबार में जाकर विक्रम पर आरोप नहीं लगाया तो तेरे जन बच्चे को कोलू में पिलवा दो। अरे तो दुष्ट नीच हमें आकर के बताना, हमें आके बताता, सच बोलता। अब बोल, किस मौत मारूं तुझे, क्या सजा दूं तुझे? महाराज मैं मरना नहीं चाहता महाराज। तो किसको मारूं? महाराज नहीं, इसे ही मार दो, अभी वैसे भी बुढ़ा हो चुका है। मुझ पे तो झूठी गवाही दिवाई थी महारानी पिंगला ने। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे बढ़िया का तो छोटा सा दिल होता है महाराज, छत्रियों के बीच में जाकर गवाही देना बढ़िया का थोड़ी काम, लिखने पढ़ने का काम। तुम दोनों में से तू मरना चाहता है कि नहीं चाहता? महाराज नहीं चाहता। सेठानी तू मरना चाहती है कि नहीं चाहती? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम में से दोनों में से एक को तो मारूंगा, बताओ कौन सा मरना चाहेगा? महाराज मैं
पहले सेठ बता, तू बता सेठ पहले, तुझे मारूं या तेरी सेठानी को मारूं? महाराज किसी को मत मारो, अभी कुछ दिन पहले तो ही शादी हुई है महाराज, अभी तो मनीमून भी नहीं गए। अच्छा झूठ बोल रहा है, वैसे तो चलो बाहर नहीं गए होंगे, वैसे तो सेठानी तेरी गर्भवती है, हैं? अच्छा बता तुझे मारूं या इसे मारूं? किसी को मत मारो महाराज, सेठानी को भी मत मारो। इधर सेठानी, तू बता तुझे मारूं या इस सेठ को मारूं? सच बताना, देख तेरी सेठानी बताएगी। महाराज आप एक काम करो, आप सेठ को मार दो, क्योंकि ये सेठ तो बुड्ढा हो गया, मेरे किसी काम का है नहीं। तूने इसके साथ शादी क्यों करी थी? महाराज मैंने पैसों के लिए इसके साथ शादी करी थी। मार दूं? हाँ महाराज मार दो इसे। ले ले। ठीक है सेठानी, मैं इस बनिए को मार देता हूँ। सेठानी क्या? अरे मेरे तो बुढ़ापे का सहारा समझ कर तुझसे शादी की थी, लेकिन आज तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया है। ये कहीं और शादी करेगी ना तू अब? हाँ महाराज ये तो बुड्ढे हो गए, अब इसका मेरा क्या काम? तू जा रही है मुझे छोड़कर, केवल मेरी दो बातों का जवाब दे जा। क्या? जा रही है मुझे छोड़कर? हाँ। कहीं और जगह शादी करेगी? हाँ। ला मेरे बच्चे को दे, अभी तो बहुत टाइम है। 3 ही महीने का बच्चा तो महाराज कितनी भी लेबर लग जाए, वो बालक सही है आपको। अबे पनिए 60 साल की उम्र में लुगाई करके लाया साले, ऐसे ही कुपत होगी तेरी। महाराज आप जैसे किसी कवि ने सही कहा है। हाँ। अरे ये तो नार नहीं नारंगी है। हाँ। अरे नारंगी नहीं दसरंगी है, ढगते तो सारे कुल को ढगते वरना नंगी। अरे न्यू कहा करते हैं रे बंदे, जो सुख चाहे जीव का तो चीज छोड़ दे चार। चोरी चुगली जामनी और पराई नार। चोरी कैद कराए दे चुगली कर दे ख्वार, घर लुटवा दे जामनी और सिर कटवा दे मार। पर तेरी आपे नी झुरी है 3 जगह से खाए महाराज, बुढ़ापे में 3 जगह ते आने खाए हूं मैं। कहां कहां थे? पर त्रिया पेनी छुरी है 3 जगह से खाए, धन लुटे जोवन घटे और लाज को टमकी जाए। अरे देख ले, अरे देख ले अमर फल वो ही साच को ना होई आज। अरे देख ले अमर फल वो ही साच को ना होई आज। आगा पाचा कुछ ना देखा, इश्क नशे में अंधी होगी। कह जे करने, कह जे करने सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। कह जे करने सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। ओ नहीं सब दुनिया एक सा, ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान।